नमस्कार दोस्तों, अमित टेक माइंड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो है 2022-23 की पेंशनर सूची आ चुकी है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो विधवा पेंशन आती है कैसे चेक करेंगे कि किन लोगों के नाम लिस्ट में हैं, किन लोगों के हटा दिए गए, क्योंकि 2022-23 की जो नई सूची आई है उनमें बहुत सारे लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको सब कुछ बता दूँगी कैसे जो है आपको अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से देखना है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र खोल रखा है और यहाँ पे हम टाइप करेंगे विडो पेंशन। दोस्तों, जैसे आप विडो पेंशन टाइप करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। ये जो फर्स्ट वाला लिंक है SSPYUP.gov.in, आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों, आपको जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है निराश्रित महिला पेंशन। ये देखिए दोस्तों, आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए, यहाँ पे देखिए लिखा पेंशनर सूची 2022-23, आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, अब नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी ज़िले हैं सबके नाम लिख के आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है उन्नाव, मुझे उन्नाव की सूची चेक करनी है, तो उन्नाव पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निराश्रित महिला पेंशन ग्रामीण क्षेत्र। दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है ये उसके लिए है। और नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निराश्रित महिला पेंशन शहरी क्षेत्र। दोस्तों, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो इसमें देखेंगे आपका नगर निकाय होगा, अगर आप जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपके लिए जो है विकास खंड होगा। ये देखिए यहाँ पे विकास खंड लिखा हो। तो दोस्तों, मेरा विकास खंड असोहा लगता है, तो मैं जो है असोहा पे क्लिक करूँगा। ये देखिए दोस्तों, असोहा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों, असोहा के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं सबकी लिस्ट आ चुकी है। दोस्तों, मेरा गांव है तूरी छविनाथ, नीचे होगा, ये देखिए तूरी छविनाथ, यहाँ पे जो है मैं क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, तूरी छविनाथ के अंतर्गत तीन गांव आते हैं, रामपुर, तूरी छविनाथ, तूरी राजा साहब। दोस्तों, अगर आपके गांव में भी कई सारे गांव लगते हैं तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। आपका जो भी गांव हो आप उस पर जो है क्लिक कर ले। जैसे कि मुझे तूरी छविनाथ की लिस्ट देखनी है, यहाँ पे देखिए 11 पेंशनर दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए मैं क्लिक करता हूँ 11 पे। आपके यहाँ ये संख्या कुछ दूसरी होगी। दोस्तों, अब यहाँ देखिए नीचे जो भी 11 लोग हैं उन सबके जो है नाम यहाँ पे जो है देख लीजिए, कहीं उसका नाम कट तो नहीं गया। अगर उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो दोस्तों आप इंतज़ार मत करिए, उसका नए प्रोसेस से दोबारा से आवेदन अप्लाई करा दीजिए, क्योंकि ये जो है अब दोबारा से अगर इस लिस्ट में नाम नहीं है तो दोबारा से आप ये सोचें कि नहीं आगे चल के लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो ऐसा नहीं। दोस्तों, ये नाम उन लोगों के हटाए गए जिन्होंने EKYC नहीं कराई है। अगर EKYC नहीं है तो जो है नाम हटा दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी घर बैठे चेक कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।